हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संतोषी तोमर ब्लॉग में। दोपहर का टाइम है लेकिन धूप एक भी नहीं है। देख लीजिए, बारिश का मौसम है, बारिश भी नहीं हो रही पर मौसम भी साफ नहीं है। और आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। आज एक बहुत अच्छी खबर है जो अभी मुझे पता चली है, तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। वीडियो पर ज़रूर बने रहिए और वीडियो को फुल वॉच करिए। और आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कमेंट करके बताइएगा कि आगे मैं आपको और क्या दिखाऊं। 9 दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा और मैं आपके साथ सारा शेयर करूंगी। मुझे भगवान से रिलेटिव प्रोग्राम बहुत पसंद है, और अगर आपको भी पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इनमें से क्या अच्छा लगा। तो चलिए वॉच करते हैं, मेरे साथ आप भी देखिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप श्री रामचंद्र भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। ये हमारे नौशहरा का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा मंदिर है। 1 साल पहले ही इसकी स्थापना हुई थी, और हमारे यहाँ आज से रामलीला शुरू होने वाली है, इसी मंदिर में होगी। मंदिर बहुत बड़ा है और 9 दिन तक चलेगी, और 9 दिन तक भंडार चलेगा, रामलीला चलेगी। तो आज माता का पहला दिन है, आज से ही रामलीला शुरू हो रही है, तो हम लोग आ गए हैं देखने। और अगर आप लोग देखना पसंद करते हैं तो कंटिन्यू वीडियो पर बने रहिए, और आप सब लोग भी रामलीला का आनंद लीजिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, आज रामलीला का पहला दिन है, आज से रामलीला का प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ के जो पीठाधीश महाराज हैं श्री रामचंद्र भगवान ठाकुर द्वार के, तो वो सबका स्वागत कर रहे हैं, सबको माला पहनाकर। और आज से रामलीला की शुरुआत हो जाएगी, 9 दिन तक चलेगी लगातार। तो अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप आगे क्या देखना पसंद करते हैं। 9 दिन रामलीला चलेगी, इसमें आपको क्या देखना अच्छा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको ब्लॉग में वही दिखा दूँगी। क्योंकि हमारे घर के पास ही मंदिर है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम रोज़ देख पाएँ और आपको भी दिखा पाएँ। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। आप क्या देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि टीवी पर मोबाइल पर तो सभी देखते हैं, लेकिन रियल में देखना, आँखों से देखना, सामने बैठकर बहुत ही कम मौका मिलता है। तो आप लोग भी इंजॉय करिए और हम भी करेंगे। तो चलिए वीडियो पर बने रहिएगा। जी महाराज, आप अक्सर दरबार में लेट आते हैं, घर पर बैठकर क्यों यश को गवाते नहीं? हजूर, आजकल मैं आदमी से हैवान बन गया हूँ। होम से या जॉब से? सिर्फ एक शादी के संता। अरे शादी तो आबादी हुआ करती है। नहीं, वो होती है लड़की बर्बादी। वो कैसे? वो ऐसे मांग मांग के पैसे तबाह हुआ हूँ, जैसे मेरी खलियानी चुड़ैल की चचानी जब से मेरे घर में आई, सारी कमाई मेरी मिट्टी में लाई। कहती है चाट लाओ, खाट लाओ, सेंट लाओ, पेंट लाओ, लाओ लाओ कहके हरदम सर पे खड़ी रहती है। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, यह तो एक ना तुच्छ समस्या है। अभी जाकर के ऋषिराज का ध्यान छुड़ाऊ, नए ऋतु राज समाज सब रहता। आओ देवलोक की अप्सरा रम्मा मैनका त्रिलोचना उर्वशी। होरी शिवा पलकिया खोल रसी की पूरे भरे, होरी बाबा पलकिया खोल भरे। क्या कारण है? आपको नहीं सुनाऊंगा तो किसको सुनाऊंगा? हाँ,
बोले नारायण भगवान की जय। कहां रहे और आज तो आप बड़े ही परिचित नजर आ रहे हैं। तथा नाम तथा गुण। आपसे मिलने की इच्छा थी, आपसे मिल लिया, अब मेरे नारायण चलते नारायण। ये स्वयंवर चल रहा है। ऐसे कन्या की भाग्य रेखा कह रही है, जो इसके साथ विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। जिसने पुकारा प्रेम से मैं उसी का दास हूं। हे देव विष्णुवर, आप मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं? इस खुशी का कारण मैं जान सकता हूँ? शिवलोक जाता हूँ तो मां पार्वती विराजमान है, आपके पास आता हूँ तो बामंग लक्ष्मी मैया विराजमान है, एक नारद जी बेचारा। अच्छा तो तुम्हारा मन शादी करने का है? अरे कहने कहने मेरी इच्छा नहीं है। अच्छा अगर आप विवाह करने की कहते हैं तो मैं कर। क्यों नहीं देवी स्नारा? प्रभु आपको इसलिए बुलाया है कि आप अपना हरि रूप मुझे प्रदान करें और मुझे आपसे कुछ नहीं। देश देश से राजा जो आए, देश देश से राजा जो आए, आए हैं कर कर श्रृंगार श्रृंगार किसे मोहनी धीरे चलो सुकुमार विषय Let's go.